ओके हेलो गाइस, मैं हूं शोएब और मैं आपका वेलकम करता हूं क्रिक एम्पायर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया क्यों हार गई। तो हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और ये हमारे चैनल की पहली अनकट वीडियो होने वाली है। अब जिन लोगों को अनकट का मतलब नहीं पता उन्हें बता दो कि इंट्रो के बाद इस वीडियो में एक भी कट नहीं होगा। तो यही था, तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। ओके हेलो गाइस, माय नेम इज शोएब एंड यू आर वाचिंग क्रिक एम्पायर। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं जो भी पॉइंट्स रखूंगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है स्क्वाड सिलेक्शन को लेकर। इस बात से आप लोग भी एग्री करते ही होंगे क्योंकि जो स्क्वाड इंडिया की टीम की थी उससे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये कोई वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है। जैसे आप देख सकते हैं कि उस टाइम शिखर धवन फॉर्म में थे लेकिन वो उस स्क्वाड में नहीं थे। हमारे युजवेंद्र चहल नहीं थे जो कि इतने एक्सपीरियंस बॉलर थे, उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती थे। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा किया था IPL में, ये बात है, लेकिन वो वर्ल्ड कप में सीधा एंट्री ले, ये बात से मैं कभी भी एग्री नहीं कर सकता था। तो आपका क्या कहना है हमारे पहले पॉइंट को लेकर आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था तो शार्दुल ठाकुर के रिकॉर्ड्स अच्छे थे तो उन्हें रखना तो बात की बात थी, लेकिन ईशान किशन को प्लेइंग 11 में क्यों रखा था ये मुझे आज भी नहीं समझ में आता। और रोहित शर्मा जैसे बेहतरीन ओपनर को ड्रॉप नहीं किया था उन्होंने, मतलब 3 नंबर पे भेज दिया था और ईशान किशन को उनकी जगह ओपनिंग करवाई थी, जो कि मेरे को सबसे गलत फैसला लगता है क्योंकि इतने अहम मैच में आप रोहित शर्मा से ओपनिंग नहीं करवाकर किसी नए बैट्समैन से ओपनिंग करवाओगे, ये बात कहीं से भी अच्छी नहीं थी। फिर इंडिया हार गई, ये तो सबको ही पता है। तो जो आखिरी हमारी जो पॉइंट है वो है IPL। जी हाँ, IPL, क्योंकि अगर आप देखोगे कि IPL का दूसरा हाफ चल रहा था और जो है IPL का दूसरा हाफ 15 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था और जो है ICC के वार्म अप मैचेस जो है 18 अक्टूबर से ही चालू हो गए थे। ये किसी के लिए भी सही नहीं था क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने से पहले टीमों को आराम करना होता है। क्रिस वॉक्स ने रेस्ट ले लिया था, उन्होंने IPL खेलने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें वर्ल्ड कप की अहमियत पता थी। IPL ही एक ऐसा कारण मेरे को जो लगता है कि T20 वर्ल्ड कप हमारे हाथ में नहीं आया क्योंकि प्लेयरों को आराम करना बहुत ज़रूरी था। अब खुद ही सोचो, 15 को IPL ख़त्म हुआ और 18 को वार्म अप मैचेस, ढंग से 3 दिन भी उन्हें आराम करने को नहीं मिला। वर्ल्ड कप खेलने के लिए आराम की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे। आप कौन से पॉइंट से डिसएग्री करते हो और कौन से पॉइंट से डिसएग्री आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए टिल देन बाय। तो गाइस, ये थी हमारे चैनल की पहली अनकट वीडियो। अनकट वीडियो बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, आप देख सकते हैं मैं कैसा अटक रहा होऊंगा बोलते बोलते, इसीलिए कट वीडियो ज़्यादा आसान होती है। लेकिन अनकट में ऐसा लगता है कि मैं आपका कोई दोस्त हूँ और आपको कुछ समझा रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने क्रिकेटिंग फैंस के साथ। ओके।